अच्छी खासी धूप वाली आसमान है और अचानक से बारिश शुरू हो गई। तब हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे यार बारिश क्यों शुरू हो गई। सब घर के अंदर भागने लगते हैं बारिश से बचने के लिए। और जब बारिश खत्म होती है तब हम लोग सोचते हैं कि चलो बारिश छूट गई। और फिर हम लोग ये सोचते हैं कि ये फिर से जल्दी न हो। पर क्या होगा अगर बारिश सच में हमारी दुनिया से गायब हो गई? क्या होगा अगर बारिश एकदम हो ही ना? चलिए इस इंटरेस्टिंग साइंटिफिक हाइपोथेसिस यानी वैज्ञानिक परिकल्पना के अंदर चलते हैं। एंजॉय द शो। नॉर्मल कंडीशन में 1 मिलीमीटर के साइज के बूंद आसमान से बारिश के रूप में गिरते हैं और जब 0 डिग्री से नीचे तापमान होती है तब ये बारिश स्नो के रूप में गिरती है यानी बर्फ। पर क्या हो अगर ये सब बंद हो जाए? पहली बार जब सुनोगे कि अब कभी बारिश नहीं होगी तो आपको लगेगा कि इससे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। पर असल में बारिश नहीं होगी तो क्या होगा ये शायद आप सुन न पाओ। असल में इससे पूरी दुनिया में एक इतनी बड़ी आपदा आ जाएगी जिसका आपको कभी अंदाजा भी नहीं। सबसे पहली चीज जो होगी वो ये कि वाटर साइकिल टूट जाएगा। साइकिल ये है कि समुद्र से पानी मॉइस्चर के रूप में ऊपर जाता है आसमान की ओर और फिर वहाँ जाकर वो बादल के रूप में बदल जाता है। इसका मतलब जो आप आसमान में बादल देखते हो वो और कुछ नहीं समुद्र का पानी ही है जो कि आसमान में जाकर बादल के रूप में बदल गया है और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में तैर रहा है। और फिर वही बादल पानी या फिर बर्फ के रूप में धरती पर वापस गिरता है और फिर से वही गिरा हुआ पानी वापस आसमान में जाता है और फिर वही पानी वापस जमीन पर आता है। इस तरह हमेशा ये वाटर साइकिल चलता रहता है। पर इस साइकिल की सबसे अमेजिंग बात ये है समुद्र का पानी खारा होता है पर जब वो आसमान में जाता है तब वो फ्रेश बन के वापस आता है। अगर आपने कभी बारिश के पानी को टेस्ट किया होगा तब आपको उसका टेस्ट नॉर्मल पीने के पानी की तरह लगेगा, खारा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अगर इनडायरेक्टली बारिश का पानी समुद्र का पानी ही है तो फिर वो खारा क्यों नहीं होता? जैसा कि मैंने आपको बताया ये इसलिए क्योंकि ऊपर जाके ये फिल्टर हो जाता है और सारी जो इम्प्योर पार्टिकल्स होती है वो उसके अंदर से निकल जाती है। तो अगर समुद्र से ऊपर गया पानी वापस नहीं आया मतलब बारिश हुई ही नहीं तो ये साइकिल टूट जाएगा और वो भी हमेशा के लिए। बारिश अब बंद हो चुकी है तो अब सबसे पहली चीज जो होगी जो कि एकदम जाहिर सी बात है वो है पेड़ों की बर्बादी। वो पेड़ पौधे जिससे हमें खाना मिलता है जो आप घास देखते हो जगह जगह पर उसके बारे में एक स्पेशल फैक्ट ये है कि उन्हें नॉर्मल से ज्यादा पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। इसलिए गार्डन वाले रोज ग्रास के ऊपर पानी देते हैं ताकि वो पूरी तरह से हरी कलर की दिखे। पर अगर बारिश बंद हो गई तो सबसे पहले ये ग्रास यानी घास मरने लगेगी। घास से शुरुआत तो होगी पर अगर कुछ सालों तक बारिश नहीं हुई तो जो जमीन है वो सूखी और सूखी होते जाएगी और इवेंचुअली घास के साथ साथ बाकी सारे पेड़ पौधे मरने लगेंगे। पर क्योंकि लोगों को खाना चाहिए होगा इसलिए वो मैन्युअली उनको वाटर देके खेती कर सकेंगे। इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए समुद्र के पानी को लेकर उसे बड़े बड़े लैब में इलेक्ट्रोडायलिसिस या फिर डिस्टिलेशन नामक प्रक्रिया के जरिए उसके खारेपन को हटाकर प्योर बनाकर उससे सिंचाई की जा सकेगी। पर इस चीज को भी हम लोग लिमिटेड दायरे में कर पाएंगे क्योंकि धरती पर समुद्र में पानी तो बहुत है और बिना बारिश के भी समुद्र में पानी बहुत समय तक रहेगा। पर साफ पानी ध्यान दीजिएगा साफ पानी बहुत कम है। समुद्र का पानी किसी काम का नहीं होता। धरती का 70% सतह पानी से ढका हुआ है जो कि है समुद्र नदी झील तालाब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर इसमें से सिर्फ 2.5% ही पानी फ्रेश है फ्रेश वाटर जिसे हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नदी झील ग्लेशियर इनमें जो पानी होता है ये इस्तेमाल करने लायक होता है और इसे ही फ्रेश वाटर कहते हैं। और समुद्र का पानी खारा होता है इसलिए उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो बारिश अब बंद हो चुकी है इसलिए जो फ्रेश वाटर धरती पर है उसे इंसान इस्तेमाल करेंगे और करीब 2500 साल में साफ पानी पूरी तरह से यूज हो जाएगा। जब सारे पेड़ बारिश की कमी के चलते गायब हो जाएंगे तब इन पेड़ पौधे को खाने वाले जानवर भी धीरे धीरे मरने लगेंगे क्योंकि इनके खाने लायक पेड़ पौधे बचेंगे ही नहीं। और इन पेड़ पौधों को खाने वाले शाकाहारी जानवरों को खाने वाले मांसाहारी जानवर उनकी भी खाने की शॉर्टेज हो जाएगी क्योंकि उनका खाना यानी शाकाहारी जानवर धीरे धीरे मर रहे होंगे क्योंकि बारिश न होने के चलते पेड़ मर रहे हैं। मतलब देख रहे हो पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाएगा और अनाज नहीं उगने के चलते पूरी दुनिया में खाने की शॉर्टेज होने लगेगी। धरती से पेड़ कम होंगे इस घटना से सिर्फ खाने पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि इसके चलते एनवायरनमेंट यानी वातावरण में बहुत खराब से बदलाव आने लगेंगे। आपको तो पता ही होगा कि पेड़ फोटोसिंथेसिस नाम के एक प्रोसेस को करके वातावरण से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। एक तरह से ये खराब गैस को अंदर लेते हैं जो कि फैक्ट्रीज के चिमनी से निकलती है और बाहर अच्छे गैस को ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो कि सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। मतलब ऑल इन ऑल पेड़ पौधे हमारे वातावरण को साफ रखते हैं ताकि हमें हेल्दी और साफ हवा मिले जिसे हम सांस ले पाए। तो अगर पेड़ कम होने के चलते फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कम हो जाएगी तो फिर वातावरण की हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी और बारिश नहीं होने के चलते सारे पेड़ धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और फिर हवा फिल्टर होनी बंद हो जाएगी। जो बची हुई ऑक्सीजन है अभी धरती में वो चलेगी और करीब एस्टिमेटेड 2000 साल तक चलेगी। पर 2000 साल बाद एक ऐसा समय आएगा जब धरती से ऑक्सीजन खत्म होना शुरू हो जाएगा और चारों तरफ कार्बन ही कार्बन होगा। ऑक्सीजन के साथ साथ एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे मॉइस्चर बनाकर रखते हैं। मॉइस्चर मतलब नमी। हवा में जो नमी होती है वो पेड़ पौधों के चलते ही होती है। ये मॉइस्चर ही वो चीज है जो कि सूरज से निकलने वाली तपतपाती धूप से हमें बचाती है। हालांकि बहुत सारी चीजें हमें सूरज की गर्मी से बचाती है लेकिन मॉइस्चर उनमें से सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बिना मॉइस्चर के धरती के टेम्परेचर एक बहुत ही हाई रेट से बढ़ना शुरू हो जाएगी और गर्मी धरती पर हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और साफ पानी की कमी के चलते दुनिया में गंदगी और भी बढ़ जाएगी और इससे बीमारियां बहुत आसानी से फैलने लगेगी।
और सबसे बुरी बात यह है कि इन बीमारियों को ठीक करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि साफ पानी के बिना दवाइयां बनाना नामुमकिन होगा। सबसे भयंकर घटनाओं में से एक जो होगी वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का अंत। बिना पानी के जो बड़े बड़े टर्बाइन्स जो डैम में घूमते हैं जिनसे बिजली बनती है वो बंद पड़ जाएंगे, क्योंकि पानी के फोर्स के चलते वो टर्बाइन्स घूमते हैं और बिजली बनती है। पर जब पानी रहेगा ही नहीं तब वो कैसे घूमेंगे, और बिजली की कमी के चलते इंटर्न फैक्ट्रीज बंद होने लग जाएंगी और देखते देखते आसमान की सैटेलाइट्स भी बंद हो जाएगी। रात को अब लाइट्स नहीं जलेगी क्योंकि पूरी दुनिया की बिजली कुछ ही महीनों में खत्म हो चुकी होगी। इस आपदा के बाद तो बारिश के गायब होने के चलते पूरी दुनिया एक बहुत ही अजीब हालत में हो जाएगी। हरी भरी धरती को ये बारिश नहीं होने वाली घटना एक सूखी रेगिस्तान बना देगी। पर मान लो बारिश बंद हो गया और ये सब चीज होने लगी तो क्या इस महामारी को रोकने का कोई तरीका है? तो इसका उत्तर है हाँ, वैज्ञानिकों के हिसाब से डेफिनेटली। जो हमने प्रोसेस की बात की, इसे समुद्र के खारे पानी को फ्रेश बनाया जा सकता है, उसे हम इस्तेमाल करके पीने, साफ सफाई और एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिजली बनाने की बात है तो वो हम लोग सोलर पैनल की मदद से कर पाएंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि आधा समय तो रात का समय होता है, इसलिए बिजली हम लोग उस मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिसे आज कर रहे हैं। पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग विंड मिल का सहारा ले सकते हैं। बिना पेड़ पौधों के इस धरती पर विंड मिल बहुत काम आएगा। विंड मिल हवा की ताकत को इस्तेमाल करके बिजली बनाती है। हवा के फोर्स के चलते विंड मिल्स के अंदर की टर्बाइन्स घूमती है और बिजली बनती है। दूसरी तरफ जो जियो थर्मल स्टेशंस हैं वो भी बहुत काम आएंगे। जियो थर्मल स्टेशंस धरती के कुछ इलाकों में धरती के अंदर की गर्मी के थ्रू धरती के गर्म कोर के चलते धरती के अंदर की अंडर वाटर पानी गर्म हो जाती है और जमीन को क्रैक करके भाप के रूप में बाहर आने लगती है, और इसी भाप की मदद से बड़े बड़े टर्बाइन्स घूमते हैं और बिजली बनती है। तो बारिश बंद होने के बाद विंड मिल और जियो थर्मल एनर्जी की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। पर जियो थर्मल एनर्जी के मामले में धरती के अंदर की इस ताकत को एक्सेस करना आज की टेक्नोलॉजी में भी बहुत मुश्किल है। आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि इंसान धरती के कितने अंदर तक पहुंच चुका है। देखो, धरती के सरफेस से लेकर इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो है 6371 किलोमीटर। और अब आप अंदाजा लगाओ कि इतने किलोमीटर में से हम लोग कितने तक पहुंच चुके होंगे। जरा अंदाजा लगाओ तो आज की सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से आधा आधा का आधा। आपको ये जान के शॉकिंग फील होगा कि हम लोग इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आज तक सिर्फ 12 किलोमीटर ही अंदर जा पाए। अभी आज की दुनिया में जितनी बिजली जियो थर्मल एनर्जी यानी धरती के गर्मी से बनाई जा सकती है उसका बस 2% हम लोग इस्तेमाल कर पाए। 12 किलोमीटर में और कितना इस्तेमाल होगा, मतलब पूरे ताकत का हम लोग सिर्फ 2% ही एक्सेस कर पाए। इस बारिश की आपदा के बाद अगर इंसान 100% जियो थर्मल एनर्जी को एक्सेस कर ले तब बिजली वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और धरती के इस एनर्जी की मदद से लाखों सालों तक बिजली बन सकती है। पर दिक्कत यहाँ ये है कि इंसान के पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि इतने सारे जियो थर्मल एनर्जी की और विंड मिल की फैक्ट्रीज लगा सके। मतलब एस्टिमेटेड पूरी दुनिया में 2 करोड़ फैक्ट्रीज चाहिए ताकि पूरी दुनिया में अच्छी बिजली पहुंच सके, पर उतने फैक्ट्रीज हजारों सालों के अंतराल में लग पाएंगे। तब तक इंसान की आधी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी होगी। ऐसी आपदा में हर एक सेकंड मैटर करेगा और इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के एक एक फैक्ट्रीज को लगाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि टाइम बहुत कम होगा। अचानक से हुई इस घटना के बाद, इस बारिश बंद होने वाली घटना के चलते अगर इंसान अपने आप को बचाने का अल्टरनेटिव तरीका खोजने भी लगे तब भी टाइम के कमी के चलते सारे इंसान नहीं बच पाएंगे। इंसान की जीवन की स्टैंडर्ड और क्वालिटी बहुत कम हो जाएगी और जैसा कि मैंने कहा पॉपुलेशन रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। मतलब पॉपुलेशन पहली बार घटनी शुरू हो जाएगी। धरती की ऊपर वाली सतह बारिश के कमी के चलते बहुत गर्म हो जाएगी और रहने लायक नहीं रहेगी। तब उस समय साइंटिस्ट के हिसाब से इंसान एक काम कर सकता है बचने के लिए, और वो है अंडरग्राउंड बेस। धरती के कुछ मीटर अंदर ही जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। ना टॉर्नेडो ना धूप किसी भी चीज का इफेक्ट अंडरग्राउंड के शहरों में नहीं पड़ेगा। इंसान अगर अंडरग्राउंड चले जाएंगे तब ऐसा भी नहीं होगा कि धरती के सतह के ऊपर से हर तरह की जीवन खत्म हो जाएगी। इंसान तो ऊपर नहीं रह पाएंगे इस बारिश वाले घटना के हजार साल बाद। मतलब अगर आज से बारिश होना बंद हो जाए तो आज से हजार साल बाद ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि इंसानों को अंडरग्राउंड मूव करना पड़ेगा। पर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एक जीव है जो कि धरती की एक्सट्रीम गर्मी वाली सिचुएशन में भी रह पाएगा। 80 डिग्री सेल्सियस ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी एक बैक्टीरिया है जो कि जिंदा रह सकता है। एक प्रजाति है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका नाम है एक्सट्रीमोफाइल। ये ऐसे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि गर्म से गर्म टेम्परेचर में भी बिल्कुल आराम से जी सकते हैं और बिना पानी के भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, वही इनका खाना है। मतलब जो चीज इंसानों के लिए खराब है वो इन छोटे छोटे बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है। तो अब इस घटना से बाहर निकलते हैं तो इस हाइपोथेसिस यानी इस परिकल्पना का मतलब क्या है? क्या हम लोग सिर्फ मजे के लिए ये देख रहे हैं? नहीं, असल में इस हाइपोथेसिस के जरिए अवेयरनेस फैलेगा, जागरूकता फैलेगा। क्योंकि जिस तरह दुनिया में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, उसके चलते जो वाटर साइकिल है वो एक्चुअल दुनिया में खराब हो रहा है। जितनी ड्रामेटिक बातें और हाइपोथेसिस हमने इस वीडियो में देखा, बारिश पूरी तरह से गायब हो जाएगा और ये सब, ये तो नहीं होगा। पर अगर असल दुनिया की बात की जाए, पेड़ कटना, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ना, नदियों का गंदा होना, ये सब इस वाटर साइकिल को बहुत हद तक असल में डिस्टर्ब कर रही है। और इसके चलते ऐसे
ऐसे बदलाव हमारे वातावरण में आ रहा है जो कि वापस बदला नहीं जा सकता। क्यूरोनियन स्पेट जो कि रशिया में मौजूद है, यहाँ के पेड़ काटने के चलते ये जगह जो कि पहले हरी भरी थी वो अब लगभग रेगिस्तान बन गया है। दुनिया में जो डिफॉरेस्टेशन का रेट है यानी पेड़ काटे जाने की गति, वो एक बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच चुका है। कितने पेड़ काटे जाते हैं ये गूगल में सर्च करने पर जो नंबर आता है उससे कहीं ज्यादा एक्चुअल में कट रहे हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल डेटा होता है वो ज्यादातर आउटडेटेड होता है और जो डेटा ये पेश करते हैं एक्चुअल में उससे कहीं ज्यादा गति से पेड़ कटे जा रहे हैं। इस सदी के पहले साल में ही यानी साल 2000 से लेकर साल 2001 तक ही 1.5 करोड़ एकड़ जमीन इतने एरिया में डिफॉरेस्टेशन किया गया, पेड़ों को काट दिया गया। 1.5 करोड़ एकड़ कितना होता है शायद आपको इसका अंदाजा नहीं हो, और हर साल यही गति से पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और सबसे मेन फैक्ट कि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। अमेजोन और ब्राजील जैसे इलाके में कितनी गैर कानूनी कटिंग की जा रही है इसका तो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं है, और हर देश में कुछ ऐसा ही सीन है। डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग नेचर को ही खत्म कर रहे हैं। डेवलपमेंट कोई गलत चीज नहीं है, डेवलपमेंट होनी चाहिए पर बैलेंस में होके, ऐसी डेवलपमेंट जिससे वातावरण को कम से कम नुकसान हो। और अगर हम लोग इस चीज को नहीं रोके तो दुनिया सच में खत्म हो जाएगी, क्योंकि वाटर साइकिल और भी ज्यादा डिस्टर्ब होते रहेगा। साइंटिस्ट ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसे ही पेड़ काटते रहे, नदियों को गंदा करते रहे, पॉल्यूशन फैलाते रहे, पानी बर्बाद करते रहे, तो जल्द ही जो 2.5% फ्रेश वाटर है वो भी जल्द खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट के हिसाब से साल 2050 तक दुनिया के सारे लोगों को अभी जितना पानी मिल रहा है उससे आधा मिलेगा, 50% तक घाटा हो जाएगा। मतलब संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्टरी अमाउंट ऑफ वाटर लोगों को नहीं मिलेगा। एस्टिमेट